हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। और इस प्रतिशत में हम क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 से 40 तक का जो वीडियो है उसको किया हुआ है, और साथ में हमने ये भी बताया हुआ कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन से हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। सारी जो बेसिक नॉलेज है परसेंटेज के बारे में, जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सारी दी हुई है, जिसका वीडियो जो है वो हमारे प्लेलिस्ट जो कि परसेंटेज नाम का बना हुआ है उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या फिर उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू या फिर प्लेलिस्ट के थ्रू जाके वीडियो को देख सकते हैं। और इस टाइप का जो क्वेश्चंस है वो आपके क्वेश्चंस तो एसएससी के लिए फेमस क्वेश्चंस है, एसएससी में आते ही आते हैं। साथ के साथ आप ये तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, सीडीएस हो, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, परसेंटेज तो आपका छूटा हुआ नहीं है। परसेंटेज तो पूरा अर्थमेटिक की जान है, इसलिए आप परसेंटेज को ध्यान से देखें। और परसेंटेज में कैलकुलेशन के कारण ही बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखें और प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। परसेंटेज का जो क्वेश्चन नंबर है 41, पहले क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझें। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, इफ अ स्टूडेंट स्कोर 36 मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 32 मार्क्स, बट व्हेन ही इज स्कोर 48% मार्क्स देन ही इज पास्ड बाय 64 मार्क्स। फाइंड द पासिंग परसेंटेज। यदि हिंदी की बात करें तो एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तो 32 अंक से फेल कर जाता है। 36% मार्क्स जब लाता है, 36% मार्क्स लाता है तो 32 अंक से फेल कर जाता है। यदि वो 48% अंक लाता है तब 64 अंक से पास हो जाता है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। ठीक है, क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया कि 36% अंक लाता है तो 32 नंबर से फेल करता है, 48% नंबर लाता है वो तो 64 अंक से पास कर जाता है। अब ध्यान दें यहाँ पे कि वो 36% जब अंक लाता है तो कितना नंबर से फेल करता है, 32 नंबर से, यानी उसकी 32 नंबर कम रही है, 32 नंबर और रहता तो वो पास कर जाता। और जब वो 48% नंबर लाता है तो 64 अंक से पास कर जाता है, यानी 64 अंक उसका ज़्यादा आ जाता है। क्वेश्चंस का पूरा निचोड़ यही है। अब जब इसको आप डिफरेंस निकाले इसका, तो डिफरेंस आप कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम से मिनिमम। 48 में से 36 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 12 प्रतिशत। और 64 में से 32 घटाएंगे, -32, तो कैसे घटाएंगे आप, 64 -32 ऐसे ही ना, यानी 64 प्लस 32 96। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी आपकी। अब आप ध्यान दें कि 12% जो नंबर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, 96 नंबर को। 12% जो नंबर है वो 96 नंबर को इंडिकेट करता है, तो 1% जो नंबर है वो कितने नंबर को इंडिकेट करेगा, 96/12 यानी कि 8 नंबर को। 1% जो है वो 8 नंबर के बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात वो है, ये है कि वो कितना नंबर से फेल कर रहा है, 32 नंबर से, यानी यही तो यह 32 नंबर से वो फेल कर रहा है। अब 32 नंबर कितना परसेंट के बराबर है, तो 32 नंबर यदि इसको आप डिवाइड दें 32 को 8 से, तो 4%, यानी कि वो 4% नंबर से फेल कर जाता है, 4% नंबर से फेल कर जाता है। 36% नंबर लाता है, 4% नंबर से फेल कर जाता है, यानी कि जो पासिंग परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज वो कितना है, 36+4%, यानी कि 40%। 40% नंबर आता है तो वो पास कर जाता है। ये तो मैं प्रतिशत की बात थी। अगर से आपसे क्वेश्चंस में ये कह देता कि कितना नंबर से उत्तीर्ण होता है, परसेंटेज बोला, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यदि नंबर की बात करता तो 40% और 1% में कितना नंबर है, 8 नंबर, तो 40% का नंबर कितना हो जाएगा, × 8 यानी 320 नंबर। यही आपका क्वेश्चन था। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आप फिर से ध्यान दें, और आपको नहीं समझ पा रही है तो फिर से समझने का कोशिश करें, उसके बाद भी नहीं समझ पा रही है तो वीडियो को आप फिर से एक बार प्ले कीजिए, आपको समझ में आएगा।
क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक विद्यार्थी 36% नंबर लाता है तो 32 नंबर से फेल कर जाता है, यानी 32 नंबर वो और लाता तो पास कर जाता। फिर बोला जा रहा है कि 48% नंबर लाता है तो 64 नंबर से पास कर जाता है, यानी 64 नंबर उसका ज़्यादा हो जा रहा है। बस जो भी बात है यहीं पे है। अब जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 48 में 36 निकालेंगे 12%, और 64 में से माइनस माइनस 32 घटाएंगे तो 96 होगा। वहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेन किया हो कैसे, 64 माइनस माइनस 32, यानी 64 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 64 प्लस 32 बराबर 96, यानी कि 12% जो नंबर है वो 96 नंबर के बराबर है। तो 1% जो नंबर है वो 96/12 के बराबर है, यानी 1% नंबर जो है 8 नंबर के बराबर है। 1% इक्वल टू 8%, यानी यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर उसका कितना है, मैक्सिमम नंबर 100% इक्वल टू 8 × 100, 800 नंबर का, ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप ध्यान दें कि 1% जो उसका मार्क्स है वो 8 मार्क्स को डिनोट करता है, 8 नंबर को दिखाता है, और 32 नंबर से वो फेल करता है, यानी 32/8 4% नंबर से वो फेल कर जाता है। ये तो बात आपको क्लियर हो गया, 36% नंबर लाया था, 32 नंबर यानी 4% नंबर से फेल कर जाता है, यानी 36 और 4 पासिंग मार्क्स उसका कितना हो जाएगा, 36 + 4 यानी 40%, 40% ही आपका परसेंटेज हो गया। और आपसे बोलता है कि उसका नंबर बताइए, पासिंग मार्क्स बताइए, तो 40% से फेल कर रहा है, और 1% कितना नंबर को डिनोट करता है, 1% जो है आपका 8 नंबर को डिनोट कर रहा है, यानी 40 × 8 320 नंबर से वो फेल कर जा रहा है। मैक्सिमम मार्क्स पूछे तो 1% 8 नंबर के बराबर है, तो 100% 8 × 100 यानी कि 800 नंबर के बराबर है। अब आप इसको या तो नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चंस पे बेस हम आपको 5 क्वेश्चंस दे देते हैं, और उस 5 क्वेश्चंस को आप खुद से करेंगे, 5 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका क्या रिजल्ट आता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी जरूर देंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते समय यदि ज़रूरत पड़ी तो उस वीडियो का सॉल्यूशन करके हम डाल दें, या फिर जो भी आपको परेशानी होती है उस प्रॉब्लम को हम दूर करके ही वीडियो को अपलोड करें। तो यदि फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ऐसा आप इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा 40% नंबर लाता है और 32 नंबर से फेल कर जाता है। ठीक है, एक बच्चा 40% नंबर लाता है, 32 नंबर से फेल कर जाता है। यदि वो 50 नंबर लाता है तो उसका जो नंबर है 18 नंबर ज़्यादा आ जाता है, यानी 18 नंबर से पास कर जाता है, तो पासिंग परसेंटेज बताना है। सेकंड नंबर की यदि बात करें, 25% नंबर लाता है तो 40 नंबर से फेल कर जाता है। ठीक है, और यदि 35% नंबर लाता है तो वो 55 नंबर से पास कर जाता है, तो पासिंग परसेंटेज बताइए। यदि थर्ड नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो यदि वो 26% मार्क्स लाता है तो 32 नंबर से फेल कर जाता है, और यदि 38% मार्क्स लाता है तो वो 56 नंबर से पास कर जाता है, पासिंग परसेंटेज बताइए। यदि फोर्थ की बात करें तो यदि कोई स्टूडेंट 32% मार्क्स लाता है तो वो 40 नंबर से फेल करता है, और यदि 56% मार्क्स लाता है तो वो 120 मार्क्स से पास करता है। 4 क्वेश्चंस हो गए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो यदि कोई स्टूडेंट 16% नंबर लाता है तो वो 104 नंबर से फेल कर जाता है, और यदि वो 38% नंबर लाता है तो वो 18 नंबर से पास कर जाता है। तो 5 क्वेश्चंस हुआ, 5 क्वेश्चंस को आपको कैसे अरेंज करना है ये भी हम बता देते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं तो आपको कैसे करना होगा, इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स देन ही इज फेल्ड 32 मार्क्स, बट व्हेन ही स्कोर 50% मार्क्स देन ही इज पास्ड 18 मार्क्स, फाइंड पासिंग परसेंटेज। यदि हिंदी की बात करें तो एक विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो 32 अंक से फेल कर जाता है, यदि वो 50% अंक लाता है तो 18 अंकों से पास हो जाता है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। मतलब आपका सारा फॉर्मेट यही रहने वाला है, सारा फॉर्मेट यही क्वेश्चंस रहने वाला है, बस आपको करना क्या है कि जहाँ जहाँ आपको डेटा गिवन है उस वहाँ पे इस डेटा को पुट कर दे जाना है, और पुट करने के बाद आपको सॉल्व करना है कि इसका 5 क्वेश्चंस का सही आंसर क्या है।
और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ऐसा ही नहीं कि केवल यही 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो गया, आप कोई भी बुक उठाइए, किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का बुक उठाइए, यदि इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखता है आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और हमें बताएं कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं। यदि फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में फीड करें, हम उस कमेंट बॉक्स का रिप्लाई भी जरूर करेंगे और आपका सॉल्यूशन भी जरूर ढूंढेंगे। तो आप पहले इसको नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं।